जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री। ये पहले तो धन भर लूटता था, अब इज्जत भी लूटने लगा है। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री। खबर रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा से है, जहां एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार को हटाने के लिए क्षेत्रीय समाज सेवियों से लेकर स्थानीय लोग अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके समर्थन में आप पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया है। इस दौरान आप नेता ने स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी के साथ 2018 में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी और बीएसपी के साथ अन्य नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि भाजपा विधायक के जीतने के बाद सभी पार्टी के लोगों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इनसे हाथ मिला लिया, जिसका परिणाम यह है कि यहां के कर्मचारी बेलगाम हो गए और जनता का शोषण कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार के ऊपर क्षेत्र के लोगों के साथ अधिवक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए और यह निश्चय किया है कि जब तक इन दोनों भ्रष्टाचारी अधिकारियों को यहां से नहीं हटाया जाएगा, तब तक अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने के तीसरे दिन आप नेता प्रमोद शर्मा समर्थन करते हुए जमकर भड़ास निकाली है। बात यह है कि आंदोलन, ये धरना, ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है और इसको कर कौन रहे हैं, इसको अगुआ होने वाले लोग कौन है? आप जिसके लिए यहाँ व्यवस्था मांगने के लिए जिस समय आए हैं, इस व्यवस्था को बनाने के लिए आपके क्षेत्र में आप लोगों ने यहां से विधायक चुना, विधायक चुना, विधायक में 22 लोग आपके विधानसभा 2018 के प्रत्याशी थे। क्या इस मंच में इस वक्त उन सभी में जो जीत गए विधायक और जो बाकी हारे उनमें से कोई आदमी नजर आ रहा है क्या? दिल्ली नारायण, कांग्रेस के जो है, कांग्रेस के आज जिला अध्यक्ष ग्रामीण है, जैसे मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष ग्रामीण है, मैं भी आपके बीच से चुनाव लड़ा 2018। आज कोई प्रमोद भाई मेरे को टास्क न दे दे, ये न कह दे कि ये सड़क, ये गली, ये अव्यवस्था, ये ट्रांसफार्मर, ये पानी, ये नहीं बना, शर्म आनी चाहिए तुमको केपी त्रिपाठी पार्ट के लिए। रोज सवेरे संदेशा हमारी तरफ से जाता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने इतनी हिम्मत की कि आपके यहाँ पर इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए प्रदीप चौगरा जी हो, चाहे दिवाकर द्विवेदी जी हो, चाहे यहाँ के लोग, ये आंदोलन को, इसको अपनी बात जायज बात कहने के लिए इन्होंने एक सामान जुटाया और आज जो है मैं अपनी टीम के साथ में इस बात का समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ कि इस बात को बहुत ही अच्छा इन्होंने ये निर्णय लिया कि हमको तब तक डटे रहना चाहिए जब तक अत्याचारी और घूसखोर ये एसडीएम और तहसीलदार यहाँ से चले ना जाए। इस बात के लिए बैठे, इस बात को समर्थन करने के लिए हम सभी लोग आए हैं। क्या आपको ये लगता है कि आपके यहाँ पर आपके साथ जो अत्याचार होता है गांव के अंदर में, उसका जो है लगातार वहां जो जीविका पा रहे थे, जो लोग जो सिंगाड़ा लगाते थे, आज उनकी जीविका क्या है? और आपके यहाँ पर पूरा ये भ्रष्टाचार लगातार यहाँ पर नहीं है। आपके सेमरिया में ऐसा कोई धंधा सेठ नहीं है जिसने जो अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। और आज कल बता दूं मैं आपको, कल ही जिस महिला ने यहाँ पर बलात्कार का आरोप लगाया था, उसके घर का अतिक्रमण का एक नोटिस जो है उसके घर भिजवा दिया गया। महिला ने क्या गलत कह दिया, क्या गलत कह दिया? और तो किसी के लिए नहीं बोला, एसडीएम के लिए क्यों बोला, और किसी के लिए क्यों नहीं बोला? लेकिन उसको बचाने का काम क्या कर रहे हैं, जो बचपन से जो लोग यहां पर बैठे, जिनको आप सोचते हैं कि नेता है, नेता है, नेता का काम यह है कि जनता का भय हरना और अधिकारी अफसरों के अंदर भय भरना, यह काम होना चाहिए नेता का। लेकिन यहां काम क्या हो रहा है, यहां उल्टा काम हो रहा है, अफसरों का भय हरना और जनता में भय भरने का काम केपी त्रिपाठी कर रहे हैं आपके यहां पर। इस बात से सतर्क रहिए कि आने वाले वक्त में आपको ऐसे लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, ये लोग ये करने आए हैं, और जान लीजिए ये जो लोग जिन्होंने आंदोलन किया है, ये आपके यहां पर से चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी का कोई भरोसा नहीं है।